तो हे गाइस, ये वाला ब्लॉग है रक्षाबंधन का ब्लॉग स्पेशली, और उसमें एक और ब्लॉग जुड़ा हुआ है। हमने रक्षाबंधन का ब्लॉग नहीं डाल पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया और हमको टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग डालने का। तो अभी बहुत दिनों बाद हमने एक नया ब्लॉग बनाया है। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वेलकम बैक टू माई चैनल स्वीटी स्टार ब्लॉग, और हम लोग आए हैं आज बहुत दिनों बाद, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आप सभी का स्वागत है। और देखिए, हम लोग घूमने आए हैं फिर से, और यहाँ पर हम लोग चाय पीने आए हैं और जगह भी बहुत अच्छी है। देखिए पूरा सारे लोग हैं, चलिए दिखाती हूँ चाय। हम लोग चाय कर सकते हैं, ये चाय। हेलो गाइस, देखिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और बारिश शुरू हो गई है, बारिश का मज़ा भी ले रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा बता दूँ ब्लॉग चालू करके, और मैं बड़ी भूत से भी लग रही हूँ और हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। फिर से रोमांटिक बातें कर रही हूँ मैं जो से पहले करती थी, सोच रहे होंगे क्या क्या बता रही है। बट फिर मिलते हैं आप सबसे, अब देखो सिग्नल वापस ऑन हो गया है, तो चलते हैं। रात के अभी 11 बजे हैं और देखिए मैं कल के लिए तैयारी कर रही। मैंने मेहंदी लगाया है अपने हाथ से, ये देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है बट कोशिश की हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो मैंने कल की तैयारी के लिए मेहंदी लगाया है, कल राखी है, तो कल मैं कल का पूरा प्रोग्राम बताऊँगी राखी का, तो आप लोग ज़रूर साथ रहिएगा। थैंक यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल स्वीटी स्टार ब्लॉग। बहुत दिनों बाद हम फिर से एक्टिव हो रहे हैं और अब कोशिश करेंगे एक्टिव रहने की, ये हर बार बोलते हैं बट इस बार कोशिश कर रही हूँ। देखिए हम तैयार हुए हैं आज राखी में, बाकी दो लोग हैं जो और हमारे घर के सदस्य हैं वो तैयार नहीं हुए हैं, तो उनको दिखा दूँ क्या आपको? दिखा देती हूँ उनको, ठीक है? दोनों देख रहे हैं कि हम लोग को क्यों दिखाई, और वो दिखाना पड़ेगा क्योंकि देखिए राखी है आज। मैं और बढ़िया से तैयार हुई हूँ, मेहंदी भी लगाई हूँ, और अभिमान का भी पूरा आउटलुक पूरा दिखा दो। पूरा दिख रहा है, ये भी तैयार हो गया है, मैं भी तैयार हूँ, मेरा भी पूरा देखिए एकदम बढ़िया से मैंने पहना है। ये अकेले कैमरा में दिखाना पड़ता है, बाकी आयुष्मान और उनके पापा जो है ना वो तैयार नहीं हुए हैं। और हम लोग आज, मैं यहाँ देखिए, इंसान एक होता है खून का रिश्ता होता है और एक मन का रिश्ता होता है। तो मेरे भाई है वो नया पर राजी में है, रायपुर में है मेरा भाई, वहाँ पर मैं अभी नहीं जा पाई हूँ, उनको राखी नहीं बांध पाई हूँ, इसीलिए इस बार मैं यहाँ पर ही नागपुर में एक भाई हैं, वो मैंने उनको भाई बनाया है, तो उनको मैं राखी बांधने जा रही हूँ। वो उन्होंने बहुत आने पर हमारी बहुत सारी मदद की हमारे लिए, हम जब नए नए यहाँ पर अभी आए थे तो एक होता ना मन से लगा कि नहीं, ध्यान एक पिता पति और एक भाई तीन ही देते हैं, तो पिता पति तो हाँ है मेरे पास में, भाई भी हैं, लेकिन भाई और भी हम बना सकते हैं जिनको लगता है कि वो भाई जैसे हमारे हमारी केयर करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो हम उनको भाई बना सकते हैं। तो वही एक बहुत अच्छे एक इंसान से मिलवाने जाऊंगी अभी आपको, उनको मैं राखी जा रही हूँ बांधने के लिए, तो आपको पूरा दिखाती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, तो मैं भी जा रही हूँ और वहाँ पर पूरा दिखाऊँगी भाई और भाभी का दोनों का कैसे क्या है, तो फिर मिलते हैं, चलिए। सो गाइज, अभी मम्मा राखी बांधने को गई है तो मैं दिखाता हूँ आपको। मजाक नहीं था, बहुत दिल से मानती हूँ, मन से, जो कि होता है भगवान आपके ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहिए। आपका
देख लो इसके किस्मत में क्या रहता, उड़ते है ना, मेरा ही था। ऐसे ही आप दोनों के लिए बड़ी हमारी भी लगाती है, आप स्वस्थ रहिए और हमेशा ऐसे ही मस्त रहिए। और भाई ऐसी आप दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा बनी रहे। भगवान को जो करते हैं ना वही हम लोग ये मिठाई भाभी से वही भैया। तो हम लोग फिर से बड़कर चौक बोलते हैं, वहाँ आए हैं बड़कर चौक और हम सब आए हैं। देखिए हमारे विद फैमिली बाबू छोटा श्री, हेलो बोलो, और हम लोग अभी यहाँ पर महादेव जी का बहुत बड़ा मूर्ति बना है तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। भंडारा हो रहा, भंडारा वो तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे बना है, बर्फ से ऐसे बनाया है ना, ऐसे ही बनाया है, बोले ना, हाँ बर्फ से बना है। सामने से थोड़ा और अंदर आ गई। ये देखिएगा इस पूरे भीड़, श्री श्री का हाथ पकड़े रहना है ना। ये देखिए कितनी भीड़ है, लोग भंडारा में सुंदर खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर म्यूजिक का प्रोग्राम है, ये बड़का शौक है। ये देखिए भोलेनाथ का मस्त, बहुत सुंदर, जय भोलेनाथ। देखिए ये भंडारा चल रहा है, बहुत सुंदर। हलवा हलवा भी है, वाह वाह वाह, हलवा भी बना रहे हैं। जय जय भोलेनाथ, जय मंडल वितरण हो रहे हैं। अरे चालू करो, आज किस लिए हो रहे हैं जी? ये क्यों भंडारा क्यों हो रहा है? हर साल होता है, हर साल होता है। अच्छा, देखिए सब कितना अच्छा से खा रहे हैं, कर रहे हैं, बड़ा मजे ले रहे हैं। तो गाइस देखिए हम लोग भी आ गए हैं, पता नहीं था हम लोग को, अचानक हम लोग यहाँ पर कुछ सामान लेने आए थे और पता चला है। तो देखिए कहाँ गए हस्बैंड, कहाँ गए, वाओ। देखिए म्यूजिक भी सुनिए, भीड़ बहुत है, हम लोग भी लेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। पॉपकॉर्न लेना है।
गाइस हम लोग यहाँ पर कुर्ता लेने आए हैं। छह पीस बोलोगे, छह पीस मिलेगा। तो हे गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर और मैं आपको ब्लॉग पे इसलिए नहीं दिखा गाइस बिकॉज मैं ट्यूशन गया था और जब मम्मा लोग कुर्ता ले रहे थे तो तब मैं आया वहाँ पे। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, मैं ब्लॉग पे नहीं आया बट क्योंकि मम्मा ने तभी बंद कर दिया था। तो अभी हम लोग जैसे ही पहुँचे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, मम्मा और डैडी तो सो ही गए हैं एकदम। तो गाइस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।